ऐसा था जो घटना 26 तारीख को यहाँ पर हुई उसका हमें 27 तारीख को मालूम पड़ा था दिल्ली में। तो हम सब लोग श्रोमणी अकाली दल दिल्ली हमारी पार्टी का नाम है और दिल्ली में खुदा ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छा नाम है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने एक मनाटी कमेटी को पूरा साथ दिया। उसके बाद हमारी मुलाकात मीर वैज वालों से हुई और मुस्लिम जो संगठन थे उनसे हुई। उन सब ने जो हमें सहयोग दिया वो हम शायद ज़िंदगी में नहीं भूल सकेंगे। अब ऐसा है कि इन सब की बदौलत मैं लड़की वालों से भी मिला, सबसे मिला और हमारा मसला जो है आज ये सुलझ गया। और लड़की जिससे पहले जिसको चाहती थी उसके साथ उसकी शादी हो गई, हम शादी करवाने के बाद ही हम यहाँ आए हैं। वो दोनों लड़का लड़की जानते थे अपने को, जो लड़की थी सुखप्रीत सिंह नाम है लड़के का, उसने आज शादी जो है वहाँ पे मनमीत कौर के साथ की। जो लड़की जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं मैं सख्त निंदा करता हूँ। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया उसने बात किया मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी किस्म की चोट उसके बयान से आप लोगों को ही हो यहाँ की रैयत को ही हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं उसके कही हुई बात की भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ आके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये हमारे भाईचारे को यहाँ खराब कर रहे हैं। हमारा उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम बरसों से रह रहे हैं और आज भी रहेंगे, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। आप देखिए कोर्ट परमिशन के अंदर जब हम गए जिस दिन लड़की को कोर्ट में पेश किया गया लड़के के पूरा परिवार कोर्ट की परमिशन के अंदर था, ठीक है जी, लेकिन लड़की के माँ बाप को अंदर जाने नहीं दिया गया। तो आप खुद बताइए जब लड़की के माँ बाप अंदर नहीं थे जज साहब ने फैसला कैसे सुना दिया उन क्या क्या जज साहब को लड़की के माँ बाप की लड़की की माँ की दो बातें सुननी नहीं चाहिए थी।